न्यूक्लियर वॉर से दुनिया को 100 वाली सीरीज बनाए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Shahad, and if you're watching Nabeel Words for the first time, subscribe करो लाजमी ताकि आपको हम अगली बार भी देखने को मिल जाए। अभी हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर वॉर विल चेंज द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बाय अभी एंड न्यू। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई, थर्ड सीरीज अगर आपने किसी ने देखी है तो उसमें भी ये हुआ था कि न्यूक्लियर वॉर होती है और सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जो कि स्पेस में थे उस टाइम में, और वो कैसे वो फिर स्पेस में ही अपने क्राफ्ट को जोड़ जोड़ के रहते हैं, फिर 100 साल बाद दुनिया रहने लायक होती है तो वो वापस आते हैं। काफी अच्छी सीरीज है, तो मजे की लगती है। तो उस टाइप का हो जाएगा अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई। तो खैर देखते हैं वीडियो, फिर उसके बाद बात करेंगे। सो लेट्स फर्दर डू, माइट रियली जंप इनटू द वीडियो। अमेरिका ने रशिया पर अटैक किया तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर बन जाएगी? ये शायद आज तक का हमारा सबसे स्कैरी वीडियो होगा, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं, ये एक रियलिटी जो हमारे दुनिया का फ्यूचर हो सकती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जैक्ट पावर क्या होती है? अगर आपके शहर में एक न्यूक गिरता है तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया कैसे होगी? चलिए आज के इस वीडियो में एक डार्क फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर का हम सब पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कितने बॉम्ब्स हैं? वीडियो की शुरुआत एक लॉजिकल क्वेश्चन से करता है। हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं? ये बॉम्ब्स कितने देशों के पास हैं? और इनका इस्तेमाल क्या क्या कांड करने के लिए किया जा सकता है? एट दिस मोमेंट पूरी दुनिया में 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका और रशिया इन दोनों देशों में मिलाकर 14,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और बाकी के देशों में यानी भारत, पाकिस्तान, चाइना, यूके, फ्रांस। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के पास सेम है? अराउंड 100 न्यूक्स हैं। इसराइल के पास भी कुछ न्यूक्स है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे नहीं पता था चाइना के पास 3,500 न्यूक्स हैं, पाकिस्तान और इंडिया के पास 150 न्यूक्स हैं। यार जबरदस्त। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं, और इसके बाद 2,475 अलग अलग न्यूक्लियर टेस्ट हुए। इनमें से 85% टेस्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किए हैं। लास्ट ईयर हम दुबई एक्सपो में गए, जहां हमने हिस्ट्री के काफी डार्क चैप्टर के बारे में जाना कि अमेरिका जब ये न्यूक्लियर प्लांट कर दिया ना, दुबई हो के आए हो, करती ना वही बात देसी टेस्ट कर रहा था, तो उन्होंने ये कहां पे किए? बिटवीन 1946 एंड 1958 यूनाइटेड स्टेट्स डेटोनेटेड 67 न्यूक्लियर बॉम्ब इन एंड अराउंड मार्शल आइलैंड्स। इन मार्शल आइलैंड्स पर 35 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जितना रेडियो एक्टिव वेस्ट दबाया गया है, स्टोर किया है। और अमेरिका ने इस देश को अपने क्राइम्स के लिए कभी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हम सब नहीं, वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड, मैं हमेशा से बोलता हूँ, पैसा है तो कुछ भी हो जाता है। हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। 6 हिरोशिमा नागासाकी 45 हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एक एटम बॉम्ब डाला, तब 1,00,000 लोग मारे गए। आने वाले समय में रेडिएशन की वजह से कई जनरेशन के लिए वहाँ पैदा होने वाले लोगों को कैंसर से लड़ना पड़ा। पूरे शहर के 2/3 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। एंड डू यू नो द डेंजरस पार्ट? उस बॉम्ब में होने वाला सिर्फ 1.3% यूरेनियम यूटिलाइज हुआ, सिर्फ उसमें ही न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और बाकी सारा फेल हो गया। सोचिए अगर सारा यूरेनियम यूटिलाइज हो जाता तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन तब में और अब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब बस अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आज ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्स है, और इन देशों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। यानी एक देश ने एक बार न्यूक्लियर अटैक करने से कहानी खत्म नहीं होगी, ये बस शुरू होगी, की शुरुआत होगी। चैप्टर 2, न्यूक गिरने पर होता क्या? आज तक एक वॉर में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज हुए। लिटिल बॉय 15 किलो टन्स का बॉम्ब था, सिर्फ 15 किलो टन्स का, जिसने एक पूरे शहर को फ्लैट कर दिया। नागासाकी में 21 किलो टन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो क्लाउड बनता है उसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। नागासाकी के बॉम्ब का मशरूम क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था। बट दैट इज नॉट द स्केरी पार्ट। B-83 अमेरिका का सबसे पावरफुल बॉम्ब है, जो लिटिल बॉय से 60 गुना ज्यादा पावरफुल। लेकिन सोवियत रशिया ने 1961 में कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। सार बॉम्बा आज तक का सबसे पावरफुल बॉम्ब है, जिसकी पावर थी 50 मेगाटन। यार वैसे मुझे ये भी एकदम से याद है कि इलॉन मस्क चाहता है मार्स पे एटम बम फेंकना। उसके पीछे एक लंबी साइंस है, उसका एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है तो उसको वार्म करने के लिए एटम बम मारेंगे, फिर वहां पे गर्मी होगी, पानी आएगा, हवा, पानी, पसीना सब आएगा, तो कुछ
30-40-100 सालों के अंदर मार्स रहने लायक हो जाएगा। वही अपनी जनरल जॉर्ड वाली कहानी जो मैन ऑफ स्टील में की थी वही करना चाह रहे हैं हम लोग मार्स के साथ। यानी वो हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शॉक वेव पूरी दुनिया में 3 बार घूमे। इस धमाके ने कुछ 1000 किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड में भी घरों की खिड़कियां तोड़ दी। इस बॉम्ब का फायरबॉल 8 किलोमीटर चौड़ा और 64 किलोमीटर ऊंचा था। ये नंबर्स याद रखिए क्योंकि आज आप खुद ट्राई कर सकते हैं आपके पसंद या नापसंद शहर में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो कितनी कैजुअलिटीज होंगी ये आप खुद देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मुझे काफी इंटरेस्टिंग वेबसाइट मिली न्यूक मैप, जहां आप खुद देख सकते हैं कि किस शहर में कितनी कैपेसिटी का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से इम्पैक्ट कहां तक होगा। हिरोशिमा का ये एग्जांपल लेते हैं, यहां हम प्रीसेट्स चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा बॉम्ब टेस्ट करना और देख सकते हैं कि डेटोनेट करने पर इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए कंपेयर कर, क्या क्या साइट्स बनी हुई है यार। है कि हिरोशिमा में 4 बॉम्ब का अटैक होता तो फिर इम्पैक्ट क्या होता। और हमने दिल्ली, मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में क्या होगा ये भी देखा, लेकिन नंबर्स इतने डेंजरस हैं कि ये हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके इन्हें खुद ट्राई कर सकते हैं। ये फुटेज देखिए, इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत क्या होती है। जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इम्पैक्ट होगा उस जगह वहाँ तो इवेपोरेट हो जाते हैं, अंदर तापमान सूरज के सरफेस से भी ज्यादा हो जाएगा। ये आपका गोला कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इसके 10 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, प्राणी सब राख हो जाएंगे। लेकिन इम्पैक्ट यहाँ खत्म नहीं होगा। इम्पैक्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट की हीट इतनी ज्यादा होगी कि इम्पैक्ट के आसपास की एयर गर्म होगी और एक शॉक वेव स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगी और बिल्डिंग गिरने लगेंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे। इमेजिन एक भूकंप होगा लेकिन धरती के नीचे नहीं, हवा और कुछ ही सेकंड्स में। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर फॉल आउट और रेडिएशन अगले कुछ महीनों के लिए लोगों की जानें लेगा। न्यूक्लियर रेडिएशन पानी में मिक्स होगा और हमारे पीने के पानी को अगले कई साल के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंसानों के साथ साथ हमारे प्राणियों में भी जेनेटिक म्यूटेशन होंगे, उन्हें कैंसर होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस भी देश पर यूज होगा उस देश का फ्यूचर काफी डार्क होगा। लेकिन बाकी देशों का क्या? एक न्यूक्लियर वॉर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा कि वॉर सिर्फ बॉर्डरिंग एरियाज में लिमिटेड नहीं होगी, ये आपके और मेरे घर तक पहुंचेगी। एक न्यूक्लियर वॉर के इफेक्ट्स 5 स्टेप्स में स्टडी किए जा सकते हैं। पहला स्टेप होता है इमीडिएट डिस्ट्रक्शन, यानी शहरों का डिस्ट्रक्शन और लोगों की मौत। सेकेंड स्टेप है फॉल आउट, न्यूक्लियर मलबे से और डस्ट से हमारी सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूट होगी और हम खाना ग्रो नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जिससे लोगों में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन होगा। फोर्थ स्टेप है एनवायरमेंटल डैमेज, इंसानों की तरह नेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है सोसाइटी का कोलैप्स, यानी एज अ सोसाइटी फंक्शन करना डिफिकल्ट होगा, हर जगह केओस ही केओस होगा। एक न्यूक्लियर वॉर की खासियत यही है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ टारगेट देश पर नहीं बाकी के देशों पर भी होगा। जिस दिशा में विंड्स है उस दिशा में रेडियोएक्टिव फॉलआउट ट्रैवल करेगा। कई नदियां एक से ज्यादा देशों में बहती हैं। उन नदियों में से ये रेडिएशन पीने के पानी के साथ साथ हमारे समंदर में जाएगा, ओशन लाइफ बर्बाद कर देगा। ये मछलियां खाने वाले लोगों पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, यानी एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारे खाने और बेसिकली हमारा इको स्ट्रक्चर फारिग हो जाएगा। अब ये बात करने के लिए मैंने वीडियो रोकी है तो मैं एक बात कर दूं कि अभी भाई हर वीडियो में एक ही शर्ट पहनते हैं, ये मैंने नोटिस किया और भाई की डेडिकेशन है। और पीछे गोकू का भाई ने स्केच लगाया हुआ है तो उधर से ही उन्होंने इंस्पिरेशन लिए कि मैं भी स्टार्टिंग में जब करेक्टर्स बनाता था तो मैं उनके एक ही कपड़े रखता, लेकिन न्यू भाभी कपड़े चेंज करती हैं तो पानी के थ्रू ये रेडिएशन हम तक पहुंचेगा। सबसे डेंजरस बात ये है कि आज की दुनिया में एक बार न्यूक्लियर अटैक होने से कहानी खत्म नहीं होगी, ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा जहां हर एक न्यूक्लियर देश अपने एनिमी देश पर अटैक करना स्टार्ट करेगा। इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर स्मोक हमारे आसमान को कवर कर देगा और जैसे एक वोल्केनिक इरप्शन में ऐश की वजह से स्काई ढक जाता है, वैसे ही यहां धुआं सनलाइट को ब्लॉक करने लगेगा, यानी सूरज की धूप धरती पर कम मात्रा में आएगी, इससे धरती पर एक कूलिंग इफेक्ट होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे हमारा तापमान 10 डिग्री से घट जाएगा, इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। यार मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना कुछ छोटा सा ट्रेडमिल हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो मैं वॉक करूँ।
ताकि मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हुआ करे यार, वजन कम करना है। इससे होगा ये कि बहुत सारे समंदर में आइस बढ़ जाएगा और ट्रेड करना अगले कई सालों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिन देशों पर अटैक हुआ है उन देशों को मदद करना भी दूसरे देशों के लिए मुश्किल होगा। न्यूक्लियर विंटर की वजह से जो देश बच गए हैं उनको भी अकाल, पूरी की पूरी फसल का फेलियर, ऐसे साइड इफेक्ट से जूझना पड़ेगा। चैप्टर 4 कंक्लूजन सी। न्यूक्लियर एनर्जी एक टूल है। करंटली हमारी पृथ्वी में 35 मिलियन टन यूरेनियम छुपा हुआ है, जो अगर हमने माइन किया और एनर्जी जनरेट करने के काम में इन्वेस्ट किया तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए अगले 2000 सालों के लिए सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास होगी। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हमने वेपन्स बनाने के लिए किया, दूसरे देशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, तो इसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वॉर को सपोर्ट करते हैं, ये समझे बगैर कि एक वॉर लाइक सिचुएशन हम सब के लिए एक डेंजरस सिचुएशन होगी। 1945 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक इमेजिनरी क्लॉक बनाया जिसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, जहां 12 बजने पर न्यूक्लियर वॉर की वजह से दुनिया का विनाश होगा, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। ये 12 कभी बजेंगे? होपफुली कभी नहीं, लेकिन ये सुई 12 के कितने करीब है ये इस बात की साइन है कि वर्ल्ड में टेंशन कितना ज्यादा है। 1953 में ये सुई मिडनाइट से 2 मिनट दूर थी। ये कोल्ड वॉर की शुरुआत थी जहां अमेरिका और सोवियत रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स ताने हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ग्लोबल टेंशन कम हुए, वैसे साइंटिस्ट ने सुई को धीरे धीरे पीछे लिया। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सुई 90 सेकंड्स टू मिडनाइट पर आ रुकी है, यानी इसका मतलब ये है कि आज एक न्यूक्लियर वॉर के टेंशन उस समय से भी ज्यादा है जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर इस दुनिया का दी एंड होगा। इसका इम्पैक्ट उन देशों पर भी होगा जो इस वॉर से कोसों दूर है, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे बड़ा। यार बात सिर्फ इतनी है कि न्यूक्लियर वॉर हो गई और जो मुल्क बच भी जाएंगे ना वो न्यूक्लियर डस्ट में फंस जाएंगे और बहुत अरसे तक नई क्रॉप्स नई फसलें वसलें नहीं होने वाली हैं। तो ये चीज तो डन कर लो, ठीक है ना। बाकी कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, मौत का जायका तो हर सोल ने चखना है, लेकिन चीज उतनी है कि जाना तो है ही है, लेकिन कैसे जाना है ये डिपेंड करता है मुल्कों के ऊपर जिनके पास एटम बम है अभी। और इन लोगों ने मूड चेंज बना लिया ना तो कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे एक मुल्क ने काम शुरू किया ना बाकी मुल्क भी उसमें लग जाएंगे। तो बस अल्लाह हिफाजत करे सबकी और होप फॉर द बेस्ट। और वो डूम्सडे क्लॉक का मुझे पता है, और डूम्सडे भी वैसे अगर सोचा जाए तो डूम्सडे एक करेक्टर भी है सुपरमैन यूनिवर्स में, मतलब डीसी यूनिवर्स में, जो के अभी देखा जाए तो उन्हीं जनरल जॉर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था वो आगे जाके डूम्सडे बना है अभी करंट DCEU में। लेकिन डूम्सडे एक बेसिक लेदा क्रिएचर भी है, वो डीसी वीसी सुपरमैन, मैं कॉमिक्स वॉमिक्स पढ़ता रहता हूँ तो उन चीजों से रिलेट कर लेता हूँ, लेकिन वो चीजें भी इधर मिक्स एंड मैच हर चीजों से उठा के ही थोड़ी स्टोरीज बनाई जाती हैं, लेकिन वो साइड देखनी पड़ेगी जो धमाके करती है भाई। बाकी ओवरऑल दैट वाज माय रिएक्शन। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब, और मुझे सजेस्ट करें अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी वीडियो पे रिएक्ट करूंगा।